बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम प्रोग्राम हेलमदानश मैं आपका मेज़बान सफजर अली हूँ और आज के इस प्रोग्राम में भी हमें हमेशा की तरह जनाब सैयद सरफराज अहमद शाह साहब का साथ हासिल है नाजरीन ग्रामी घरेलू मामलात में बाहमी चपकलश का हो जाना मामूली बात है हम इससे पहले भी बेशतर प्रोग्राम्स में घरेलू मामला का जिक्र कर चुके हैं कि इसको किस तरह से बेहतर किया जा सकता है लेकिन हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई और उस रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि पाकिस्तान में खुला और तलाक़ की शरह बढ़ती चली जा रही है और इसके एक पीछे एक बुनियादी वजह घरेलू तशद की है घरेलू तशद की वजूहत क्यों है कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो घरेलू तशद पर उकसाती हैं इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है और खुला और तलाक़ की शराह को कैसे कम किया जा सकता है ये तमाम तर बातें हम जानेंगे जनाब सैद सरफराज अहमद शाह साहब से शाह साहब घरेलू तशद की बुनियाद कहाँ से पड़ती है रहीम घर में देख रहे होते हैं कि हमारे माँ बाप हैं वो रह रहे हैं उसमें एक रवैया वालिद साहब का भी है एक रवैया वालदा साहबा का है तो वो देख देख के हमारे जहन के अंदर ये चीज़ें बैठती चली जाती हैं बाज टाइम बच्चे की शादी होगी एक जनरेशन गुजर चुकी माँ बाप एक जनरेशन पहले के ज़माने में रह रहे हैं बल्कि उनसे उन, उनसे उन्होंने जो स्टार्ट किया वो दो जनरेशन पहले का लिया वो उन नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं और हमारा मुआरा चूंकि मशरक़ी है और फिर हम मुसलमान भी हैं तो हमारे यहाँ जो पिछली जनरेशन जितनी पीछे जाते जाएंगे वहाँ ये चीज़ ज़्यादा शदीद होती जाएगी कि घर में हुक्मरानी मर्द की है जी खामद की है जी जितनी पीछे जाएंगे उतना वो चीज़ नुमायाँ होगी वक्त के साथ साथ ज़माना तो साकिन नहीं है जमाना तो ऐसी चीज़ है जो मुतहरक है बिल्कुल ऐसा है तो जमाना तो और वक्त तो चल रहा है शक। और लोग आगे बढ़ रहे हैं तालीम बढ़ रही है कहाँ हम छः परसेंट लिटरेसी रेट पे थे वो आज फिफ्टी सिक्स पर जा चुका फिर फॉरेन वर्ल्ड के साथ हमारा एक्सपोजर बढ़ गया जी तौर तो तरीके बढ़ गए अब वो जो दो, दो जनरेशन पहले का रवैया है वो एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा लेकिन हमारे जहन में वही चीज जमी है हम तो कर रहे हैं कि हमारे साथ हमारे ताल्लुक में वही रवैये हमारे सामने आए वो नहीं आ सकते उसको हम कबूल मुश्किल से कर पाते फिर इसके अंदर एक फैक्टर इंसानी फितरत का भी है जिस तरह से रबालन ने हमारे फिंगर प्रिंट्स बनाए हैं एक इंसान के दूसरे इंसान के साथ फिंगर प्रिंट्स नहीं टली करेंगे डिफरेंट हैं इसी तरह फितरत नहीं मिलती हर इंसान की अपनी एक फितरत है अब असल झगड़े वहाँ शुरू हो जाएंगे जब मैं दूसरे को स्पेस नहीं दूंगा अगर मैंने यह समझ लिया कि मेरे सामने बैठे हुए सफदर साहब भी इंसान हैं उनकी अपनी एक फितरत है उनकी अपनी एक है, उनकी अपनी आदात है उनके अपना वे ऑफ लिविंग है वो भी इंसान है मेरी तरह जैसे मुझसे गलतियाँ हो जाती हैं उनसे भी गलती होगी उनसे कोताही भी होगी मेरी तरह अगर तो ये मैंने सोच लिया तो फिर जो मेरा लाइफ पार्टनर है उसके साथ बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजर जाएगी बिल्कुल ठीक है कि यह सोच के कि मेरा लाइफ पार्टनर मेरी तरह का इंसान है अल्लाह ने उसको भी एक फिसरत तता फरमाई है जो डेफिनेटली मुझसे मुख्तलिफ है उसकी तरबियत मुख्तलिफ माहौल में हुई है मेरी तरबियत में इससे गर्ज नहीं कि अच्छी है पूरी लेकिन एक डिफरेंट माहौल में हुई है उसकी अपनी कुछ आदात हैं जो पैदाश से लेकर अब तक आई हैं मेरी भी आदात हैं तो क्या मालूम कि मेरी आदात दूसरे शख्स के लिए कितनी नापसंदीदा ना है और वो बर्दाश्त बर्दाश्त हो रही है।, रही है तो मैं क्यों नहीं बर्दाश्त कर सकता तो अगर तो इस किस्म की थिंकिंग है घरेलू तशद्द तक नहीं जाती मामला सेटल होते रहते हैं लेकिन जहाँ बर्दाश्त की कमी हो जाए और एक हमारे यहाँ ये हम सब हज़रा में और मेरे अंदर शायद कोई ज़रा ज़्यादा दूसरों से एक प्रॉब्लम यह पाई जाती है कि हम में से हर आदमी अपना पॉइंट विन ओवर करना चाहता है और उसके लिए बहस पहली चीज़ है फिर बहस जब ज़रा लंबी होती तो तख बयानी तक आती है तख़ बयानी के बाद वो फिर तहजीब की हदों से पार हो जाती है ये जो आदत है कि मैंने पॉइंट विन करना है अब इसके बारे में मुझे ये नहीं मालूम है कि मैं पॉइंट विन करने के लिए सफदर साहब के साथ बहस करूंगा तो सफदर साहब महजब आदमी है तो वो पलट के मुझे जवाब नहीं देंगे खामोश हो जाएंगे उन्होंने खामोशी इख्तियार की है वो कन्विंस नहीं हुए हैं जी तो मुझे ये समझ लेना चाहिए कि पॉइंट विन करना ज्यादा अहम नहीं है इंसान बल्कि अहम यह चीज़ है कि मेरी बात से दूसरा आदमी कन्विंस हो जाए और मैं दूसरे आदमी को कन्विंस सिर्फ दलील से कर सकता हूँ ऊंची आवाज़ से नहीं कर सकता ऊंची आवाज़ से दूसरे आदमी को सिर्फ मैं शटअप करा सकता हूँ जो और रिएक्शन क्रिएट कर देगा घर के अंदर चूंकि आपने ये पूछा कि यह तशद तक नौबत कैसे जाती है तो मैं अर्ज कर रहा हूँ उसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं उसके उसमें एक एक इसको भी दखल है कि मैं अपना पॉइंट लूज नहीं करना चाहता हर कीमत पे जीतना चाहता हूँ वरना तो बड़ा आसान काम है अगर मेरे मैं अपने अंदर से निकाल दूं तो जब मेरा लाइफ पार्टनर गुस्से में है तो मैं खामोश हो जाऊंगा बात को तरह दे जाऊंगा दो दिन के बाद में वही बात प्यार मोहब्बत से समझा दूंगा यूं तलखी नहीं आएगी जब तलखी नहीं आएगी तो तशद तक बात जाती नहीं एक टॉलरेंस लेवल कम हो गया एक फैक्टर यह भी है अगर आप इजाजत दें तो ब्रेक के बाद टॉलरेंस लेवल को हम जो है डिस्कस करेंगे क्योंकि हम ये समझते हैं कि टॉलरेंस लेवल का जो टॉपिक है यानी इसी से जुड़ा हुआ ये भी बहुत अहम टॉपिक है यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का ब्रेक के बाद हम टॉलरेंस लेवल की बात करेंगे कि इसको बढ़ाया कैसे जा सकता है बेहतर कैसे किया जा सकता है आप हम हमें नाजरीन ब्रेक पर जाने से पहले हमने ये बात की कि, कि पॉइंट विन करना हर दफ़ा लाजमी नहीं होता अगले शख्स को कन्विंस करना चाहिए दलील के साथ और ये लाजमी नहीं है कि दलील के साथ कन्विंस करते हुए आप अपनी आवाज़ को भी ऊंचा करें आवाज़ को ऊंचा करने की बजाय दलील को बेहतर किया जाए तो मामला सोल्यूशन की तरफ जा सकते हैं इसके साथ साथ एक और बात कि टॉलरेंस लेवल जो है बर्दाश्त का जो मादा है वो कम होता चला जा रहा है कम होने की वजह से भी मुमकिन है कि लड़ाइयाँ बढ़ती जाएं आपने इसको लिंक किया है इसके साथ इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है उन फैक्टर्स को जाना जाए जो हमारा टॉलरेंस लेवल कम कर देते हैं तो जो ही हम उन फैक्टर्स तक पहुँचेंगे कि टॉलरेंस लेवल को कम कैसे ये कम कैसे होता है तो उसका हल ऑटोमेटिकली निकल आएगा पहली बात ये है कि हम दूसरे के साथ बहुत सी तो वाबस्ता कर लेते बगैर ये एहसास किए शादी एक ऐसा बंधन है और कमाल का बंधन है कि शादी होते ही वहां रियलिटी ग्राउंड रियलिटीज असरअंदाज हो जाती हैं प्रायरिटीज चेंज हो जाती हैं जब शादी से पहले एक दूसरे से हम बात कर रहे हैं मुलाकात कर रहे हैं वहाँ वो ग्राउंड रियलिटीज है नहीं नतीजा ये है कि जहाँ इख्तलाफ हो सकता है वो चीज़ें वहाँ वजूद ही नहीं रखती हैं उससे भी ज़्यादा यह है कि हम एक दूसरे की बातों को बर्दाश्त करते हैं जबकि उन बातों को आम हालात में बर्दाश्त नहीं करते तो वो तो हमारी अनरियलिस्टिक है। होती हैं तो जब वो तो पूरी नहीं होती तो हमारे अंदर एक गुस्सा पैदा होता झुंझलाहट पैदा होती रादर ये ज्यादा सही लफ्ज है कि तो पूरी ना होने से हमारे अंदर झुंझलाहट पैदा हो जाती और जब झुंझलाहट पैदा होगी तो हमारा टॉलरेंस लेवल ऑटोमेटिकली हर चौथ का नीचे चला जाएगा हमारा बचपन इस तरह से गुजरा है कि हमारे अंदर टीम स्प्रेड पैदा नहीं हो सकी दूसरों के साथ मिलकर काम कर काम करने की आदत नहीं हमने डेवलप की है तो वहां तो हम एक ही कमरे में रह रहे हैं और अपनी सारी चीजें एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं अब इस्तेमाल करने का तरीका हर आदमी का दूसरे से मुखतलिक मुखतलिक है।, है तो अगर मेरे अंदर वो टीम स्प्रेट नहीं है तो मैं झुंझलाऊंगा बहुत बुरी तरह एक दिन दो दिन चार दिन हफ्ता दस दिन वो झुंझुलाट मेरे अंदर भरती जाएगी भरती जाएगी और एक वक्त आएगा कि मैं फिर बर्दाश्त करने के मूड में रहूँगा नहीं नतीजा ये है कि वो लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा मुझे ये एहसास होना चाहिए कि मेरे सामने बैठा हुआ आदमी भी मेरी तरह का इंसान है तो लाइक एवरी ह्यूमन बीइंग उस आदमी की भी स्ट्रांग पॉइंट्स हैं और उसकी भी डाउन साइड है मेरी भी है तो लोग मुझे मेरी तमाम तर खामियों के बावजूद बर्दाश्त किए हुए हैं मैं क्यों नहीं कर सकता इसे ये अगर एहसास हो गया मुझसे ख़ुद ज़िंदगी में कितनी गलतियां हो जाती हैं और मेरी तो ये होती है कि मेरी ग़लती को दूसरे माफ़ कर देंगे तो जब मेरी ये तो है कि मेरी गलतियां माफ़ कर दी जाएंगी तो मुझे भी वही स्प्रेड शो करनी चाहिए कि दूसरे की गलती को मैं हंस के माफ़ कर दूं और किसी मुनासिब मौके पर पॉइंट आउट कर दूं कि आपसे गलती हो गई थी ये जो रैशनल अप्रोच है ये ना ना होना इसका जन्म देता है गुस्से को और गुस्सा में बदलता है फिर एक चीज हम आमतौर पर नहीं समझते क्योंकि अब ये मिया बीवी के रेफरेंस से बात हो रही है जी जी। जब मेरी शादी हुई है तो मौलाना ने मुझसे जो पूछा है कि फला मिनत फला सो मच महर आपको किसी ने मेरी मेरे पिस्टल पॉइंट पर हाँ नहीं कराई है बिल्कुल ऐसा है मैंने अपने खुशी से हाँ कही है और, होशो हवास की बात हुई है और इसको किया। और तीन बार गया। तीन बार इसलिए कहवाया जाता अगर कहीं गलती हो गई है तो करेक्ट कर ले मौलाना साहब ने हरगिज ये नहीं कहा कि फलाते फलास हर वीकनेस आपको कबूल है वो तो इंसान आया है मेरे पास वाइफ के जी, जिसके अंदर खूबियां भी हैं भी, है, भी वो है। पैकेज डील है तो मुझे क्या हक पहुंचता है कि जब मैंने एक इंसान को कबूल किया है उसकी खूबियों और खामियों के साथ कि मैं उसकी खामियों पर भड़कू हाँ समझाना मेरा हक है अगर मैं समझता हूँ कि उनकी इन कोताही को दूर किया जा सकता उनका कंट्रोल है इस पर तो मैं बड़े प्यार से तरीके से समझा सकता हूँ ये जो चीजें हैं कि हम दूसरे आदमी में कोई खामी नहीं देखना चाहते उसकी शख्सियत को उस शख्सियत पर मुंतबिक हो, होता देखना चाहते हैं जो शख्सियत जहन में हमारे नक्शा बना हुआ है ये गलत अप्रोच है तो उससे हमें जब हम ये सोच लेते हैं तो हमारे अंदर बर्दाश्त पैदा होती है दूसरे को बर्दाश्त करने का मादा पैदा होता है बहस जो है आपस की वो एक तरह से जिसको कहते हैं कि जहर कातिल है ताल्लुक के लिए वो रोज रोज की बहस बिल आखिर उसका नतीजा ये निकलता है कि ताल्लुक टूटने लगते हैं ये दोनों तरफ एक सी वैलिड बात है जो मैं जो बात मैं बता रहा हूँ याद रखिएगा कि जो फैमिली का हेड है किसी अदारे का हेड है कॉरपोरेशन का हेड है मुल्क का हेड है जितना बड़े लेवल पर है उतनी बड़ी कुर्बानी मांगती हुँ। 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 है वो जी, जिम्मेदारी उसकी बिल्कुल ऐसा है वो उह उससे कुर्बानी मांगता है, तो आपको अपना आप कुर्बान कर देना पड़ता है तो यहाँ तक के अभी हमारे यहाँ एक अजीब दस्तूर चला है मैं किसी की जात पर तनकीद नहीं कर रहा एक इसको मैं एक डिस्कस कर रहा हूँ कि हमारा जो वजीर अजम है चाहे कोई हो उसको ये एहसास नहीं है तो इसी तरह घर का सरबरा जब सरब्राहि के मकाम पर फायज हुआ है तो वहां उसकी जिम्मेदारियों में बेपना इजाफा हो गया है। वो घर के किसी नापसंदीदा तरीन इंसान उसको भी उसे उतनी अहमियत देना पड़ेगी उसका भी ख्याल करना पड़ेगा उसके हकूक उसको मिलते रहे ये उसे इंश्योर करना उसकी गलतियां अपनी जगह हैं। ये बड़ा एक खूबसूरत पहलू है मैं ये चाहता हूं कि ब्रेक के बाद हम इस पहलू को थोड़ा सा मजीद खोल कर बयान करें ताकि ये जो सब्र और बर्दाश्त वाला मादा है ये बेहतर हो सके और इसको जिस तरह से आपने कहा कि मर्द की जिम्मेदारी है जितनी बड़ी जिम्मेदारी होगी उतनी बड़ी कुर्बानी देना पड़ेगी यहां पर वक्त तो एक ब्रेक का ब्रेक के बाद हम इसी मौजू पर दोबारा बात करेंगे आप हमारे साथ रहिएगा वेलकम बैक नाजरीन नाजरीन ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरह से शाह साहब ने फरमाया कि जो सरबरा उसकी जितनी बड़ी जिम्मेदारी है उतनी बड़ी कुर्बानी है चाहे वो घरेलू सरब्राह है किसी घर का सरब्राह है किसी इदारे का सरबरा है लेकिन चूंकि हम इसी तनाजुर में बात कर रहे हैं घरेलू तनाजर में बात कर रहे हैं इसीलिए मर्द की बात हो रही है उस शख्स की बात हो रही है जो घर का सरबरा है उसकी जिम्मेदारियों पर बात हो रही है आपने बड़ा एक खूबसूरत पहलू बयान किया है कि अगर कोई घर में उससे इख्तलाफ भी करता है तो उससे उसके हकूक भी पूरे करने हैं क्योंकि ये सरबराह की जिम्मेदारी है उससे पूछा जाएगा जी हर शख्स अपनी रैयत के बारे में जवाब दे है तो वो जो सरब्राह है उसकी रैयत तो पूरा घराना बनता है ये बात अब बीवी से निकल कर पूरे घर पर मुंतबिक हो गई है इस पर आप बात कर रहे हैं इसमें जब तक के मैं मेंटली अपने आप को एक खास सतह तक बुलंद नहीं कर लूँगा जब तक के मैं अपनी जात को जात में से निकल कर बता सरबरा एक जगह खड़ा नहीं हो जाऊंगा उस वक्त तक मैं ये नहीं कर सकता मुझे इतना बैलेंस्ड होना है आपने मुझे बुरा भला कहा है वो मेरी जात को कहा है घर के सरबरा को नहीं कहा या मुल्क के यादारे के सरबरा को नहीं कहा तो ये कैसे मुमकिन है कि मैं आपके हकूक का तहफ न करूं जो मेरी बुनियादी जिम्मेदारी है ये सबक मुझे सीख लेना चाहिए इस पे हमारे यहाँ एक और दस्तूर है वो एक के लिए मैं एक पूरा ग्रुप था बड़ा उसके लिए काम कर रहा था तो मैंने सीनियर ऑफिसर्स की मीटिंग कॉल की हमारा कॉन्फ्रेंस रूम खचाखच भरा हुआ था तो मैंने देखा कि जूनियर मोस्ट ऑफिसर इनमें कौन है थे सभी सीनियर लेकिन उन सीनियर्स में भी जूनियर कौन है तो मैंने उनसे कहा कि अच्छा आप बताइए आपके व्यूज क्या हैं इस प्रॉब्लम पर करते करते जो मेरे नंबर टू से वहां तक बात आ गई तो मैंने उनसे कुछ कहा जिसके जवाब में कहा कि आज तक हमारी मीटिंग हुई नहीं तो मैंने उनसे कहा कि ओ कमांड टेल मी रेगुलर मीटिंग्स होती हैं आपके यहां मैंने रिकॉर्ड देखा तो उन्होंने कहा कि साहब मीटिंग ये पहली हुई है इससे पहले मुलाकात होती मुलाकात होती है ऑर्डर पास किए जाते हैं तो घर के अंदर हमें हर एक को मौका देना चाहिए कि वो अपने ख्याल का इज़हार कर सके अपनी तजावीज़ दे सके और घर के अंदर जो कुछ हो रहा है जो या अदारे में जो कुछ हो रहा है उस पर ख़्यालत अपने खुलकर बयान कर सके उसमें अगर वो थोड़ा तल्ख हो जाता है बंदा तो सरबराह की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो उसे टॉलरेट कर जाए घर के अंदर भी यही है कि घर के जितने अफराद हैं उनको बोलने दीजिए और उनको सुन लीजिए गौर से लेकिन अपने रवैये को मुतासर मत होने दें उनकी उस तनकीद से ये बहुत बड़ी बात है जिसकी जानब पर आपने इशारा किया और हम असल में दर हकीकत अपने अहदे की जो आप नज़ाकत कह लीजिए आप उसको कोई दूसरा नाम दे लीजिए हम उसे पहचान नहीं पा रहे होते उसमेदारी को समझ नहीं पा रहे होते किदारी क्या है जिस आपने ये बात कही कि अगर किसी ने मुझे बुरा कहा है तो उसने सरबराह को बुरा नहीं कहा उसने मेरी ज़ात को बुरा कहा है तो सरब्राह को अपना किरदार अदा करते रहना चाहिए अब जब सरबराह अपना किरदार अदा करेगा तो उसकी शख्स खामी भी खत्म हो जाएगी अगर ख़त्म नहीं होगी तो उस पर जो है पर्दा पड़ जाएगा और मामला ठीक हो जाएगा इसमें सिर्फ एक ही चीज़ सीखने की है छोटी सी अपनी ज़ात से बाहर निकल कर देखूँ लोगों को अगर ये सीख लिया तो मैं सही देख सकूंगा और किसी शख्स ने क्या किया है मेरे साथ मुझ पर क्या तनकीद कर डाली है मुझे कितना बुरा भला कह दिया है वो जब मैं अपनी ज़ात से निकल के बाहर खड़ा होकर वॉच कर रहा हूँ तो मेरे लिए मेरी अपनी ज़ात और वो शख्स दोनों बराबर है क्योंकि मैं ऑन लुकर हूँ उसे देख रहा हूँ तो मेरे उस इंसाफ करने के जज्बे में बतौर सरबरा के कोई कमी नहीं आएगी मेरा तराज झुकेगा नहीं किसी तरफ या पलरा ऊपर नहीं जाएगा किसी की तरफ से अपने लहजे में तोज़ुन पैदा कीजिए ताकि बहुत सारी सौबतों से बच सकें और सरजनश और इज्जत नफ्स को मजरू रखने में थोड़ा सा फ़र्क रवा रखिए आपके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा हो सकती हैं घरेलू ज़िंदगी खुशगवार हो सकती है अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त अल्लाह